घोड़थंभा ओपी अंतर्गत कोदवारी गांव में प्रेमी के सामने ही प्रेमिका से दुष्कर्म व मारपीट करने के मुख्य आरोपित राजकुमार यादव समेत चार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपित राजकुमार यादव को एसडीपीओ राजीव कुमार के नेतृत्व में मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे घोड़थंभा ओपी से महज कुछ फासले पर एक स्कूल परिसर से दबोचा गया। घंटों से पूछताछ के बाद इस मामले में शामिल अन्य युवकों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद कोडरमा जिले के नवलशाही थाना अंतर्गत डंगरनावा गांव में एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां से और आरोपी पकड़े गए। राजकुमार यादव की निशानदेही पर तीन युवकों को वहां से गिरफ्तार किया गया। पुलिस तीनों को लेकर राजधनवार थाना लौट गई। इधर राजकुमार यादव का पीला टी शर्ट पुलिस ने उसके घर से बरामद कर लिया। वायरल वीडियो के अनुसार दुष्कर्म के समय राजकुमार ने पीला टी शर्ट पहन रखा था। इस बाबत बुधवार को एसपी सुरेंद्र झा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी दी। बताया गया कि प्रेमी जोड़े को अगवा कर इन लोगों ने युवक के साथ मारपीट भी की। वहीं युवती के साथ मुख्य आरोपी राजकुमार यादव ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वायरल वीडियो के आधार पर इन सभी को पकड़ा गया और सभी को जेल भेजा गया। पेश है हमारे संवाददाता संतोष तिवारी की रिपोर्ट। एक दो दिन से मीडिया में न्यूज वायरल हो रहा था कि एक प्रेमी युवक के समक्ष कुछ उपद्रवियों ने प्रेमिका के साथ गैंग रेप किया। जब इस चीज़ की पड़ताल की गई तो पाया गया कि बेसिकली इस घटना में जो प्रेमी था वो आलोक राय, जो अड़काली का गणेश राय अड़काली का रहने वाला था, इसकी शादी नवलशाही थाना में हुई थी। और कि शादी के बहुत दिनों के बाद तक इसी को अपना कोई संतान नहीं हो रहा था, तो एक दूसरी महिला के साथ इसका फ्रेंडशिप हुआ और अपने ससुराल वालों की सहमति से कि बच्चे के लिए फिर शादी किया जाए, ये अपने परिवार वालों को मिलवाने के लिए इसको ले जा रहा था। जब वापस वहाँ से आ रहा था तो कुछ लड़के इसके पीछे पड़ गए और उन्होंने साथ बदतमीजी किया। उसमें से एक लड़का जो पीले शर्ट में था, जिसका नाम अनुसंधान में आलोक राय निकला है, राजकुमार राय ने महिला के साथ बदतमीजी किया और इसका फिजिकल असॉल्ट किया। इस मामले की पूर्व सूचना इससे पहले भी कोडरमा थाना के द्वारा संज्ञान लिया गया था और संज्ञान लिए जाने के उपरांत फिर इन्हें छोड़ दिया गया था। घटना के 8-10 दिन के बाद क्योंकि मीडिया में चूंकि आया था तो कोडरमा पुलिस ने मामले संवेदना के आधार पर इस केस को हैंडल किया और आप देख पा रहे होंगे घटना में सम्मिलित 4 लोग अरेस्ट कर लिया गया है। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस केस का में एक बेहतरीन अनुसंधान किया जाए और उसके बाद जो भी गुनाहगार हैं, जिसके अभी तक एक सत्यापन हुआ है कि गैंग रेप ना होके बेसिकली एक आदमी के द्वारा इस साथ बदतमीजी गलत व्यवहार किया गया था और उसके अलावा उस सहयोग देने वाले और लोग थे, उसकी भी रजिस्ट्रिंग की गई है। और हम लोग चाहेंगे कि इसमें स्पीड ट्रायल के इस अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दिलवाई जा सके। धन्यवाद। कुछ दिन पूर्व मीडिया में न्यूज आया था कि एक कपल के साथ कुछ लोगों ने राह चलते उसकी प्रेमी के सामने प्रेमिका का रेप किया, गैंग रेप किया। जब इस मामले को गिरिडीह पुलिस के संज्ञान में आया तो मानवीय संवेदना के आधार पर गिरिडीह पुलिस ने तहकीकात प्रारंभ किया तो ज्ञात हुआ कि इसमें जो प्रेमी है उसका नाम गणेश राय है और ये अपनी प्रेमिका के साथ वापस आ रहा था। बीच रास्ते में कोडरमा गिरिडीह बॉर्डर के क्षेत्र में कुछ लोगों ने इसका पीछा किया और पीछा करते हुए लड़की के साथ फिजिकल असॉल्ट किया, बदतमीजी किया और उसमें से एक अभियुक्त ये राम लखन राय के द्वारा उसका रेप किया गया, राजकुमार राय। तो इस संदर्भ के बाद जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ तो पता चला पुलिस को कि बेसिकली ससुराल के कुछ लोग थे और लड़की की शादी लड़के से ना हो उसको मिसगाइड करने के लिए, हटाने के लिए ऐसा प्रपंच किया गया था। फिलहाल एनीवे मतलब इस इशू को गिरिडीह पुलिस ने एक अपने चैलेंज के रूप में लिया चूँकि गैंग रेप के रूप में ये पूरा वायरल हो रहा था और 12 घंटे के अंदर में इस चूँकि कल मामला संज्ञान में आया और 12 घंटे के अंदर जो इसका कांड के मुख्य अभियुक्त राजकुमार यादव थे, साथ ही इस घटना में सहयोग देने वाले अन्य अभियुक्त आलोक कुमार राय, विनोद कुमार राय, राम लखन राय अरेस्टिंग की जा चुकी है। हम यह प्रयास करेंगे कि स्पीड ट्रायल के माध्यम से इसके जो भी मतलब अभियुक्त पकड़े हैं इस कठोर को सजा मिले और इस तरह के जो इशूज हैं इस पर हम लोग कंट्रोल कर सकें। थैंक यू।